With weeks left for polling to start in India for the greatest carnival of democracy, the saffron stalwart and the PM candidate for the BJP is sharpening his diatribes by the day. Speaking at Wardha, Maharashtra, Narendra Modi said both farmers and jawans were suffering for the poor policies under the Congress-led UPA rule. He launched a scathing attack at the Congress. He raked up the legacy of Lal Bahadur Shastri and said it was the leader who had awakened the nation by his popular slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. He said, under Congress, affairs in India went for a toss. He said, little help reached the farmer when the government was busy doling out packages. He also said that there is no point in talking to a government if soldiers were not safe. Maharashtra is facing a spate of farmer suicides. Modi did touch upon the issue of farmers. Modi urged the people to vote for the BJP Shiv Sena alliance and reject both the Congress and NCP. Ek samay tha. देश विदेशों से अन्न मंगवा करके हिंदुस्तान अपना पेट भरता था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र देकर के देश को जगा दिया। आज मुझे दुख के साथ कहना, बड़ी पीड़ा के साथ कहना है कि कांग्रेस के कुशासन के कारण आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे इन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। कांग्रेस के शहजादे वोट बटोरने के लिए जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा की कि बोले मैं कुछ दिन पहले पूर्व सैनिकों को मिला था और वन रैंक वन पेंशन की सैनिकों ने मांग की, तो मैंने कहा था मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और आपने देखा 3 दिन में काम हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। देश की सेना के सभी जवान चाहे निवृत्त हो या आज प्रवृत्त हो, सालों से मांग कर रहे हैं, अनेक बार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री को मिल चुके हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं जिसको नहीं मिले हो, और आपने उस काम को नहीं किया। ये सरकार ऐसी है किसान को पैसे मिले उस पर तो प्रतिबंध लगा देती है, कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध, लेकिन मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। आप देखिए क्या कमाल कर रही है उन्होंने। इनको मालूम नहीं है कि फॉरेन एक्सचेंज कमाने के मोह में हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पशुधन काटा जा रहा है, मटन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसके कारण गरीब किसान की आय के साधन खत्म हो गए हैं, गांव के गांव आज ऐसे हो गए हैं कि जिस गांव के बीच में 5-50 पशु भी बचे नहीं है। उन्होंने योजना लाई थी क्रॉप इंश्योरेंस की, उन्होंने कहा था
कि किसान की कितने आय होगी उसका अंदाज लगाकर उसकी गारंटी तय हो जाए कि कुछ भी हालत में इतना तो रुपया उसको मिलेगा ही मिलेगा, ताकि कभी उसको मरने की नौबत ना आए। दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय NNIS.